अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حضرات علماء کرام، نعت خوانان عظام اور معزز حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے حضرت مبلغ اسلام مولانا عبدالوہاب صاحب صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہم لوگوں پر قائم و دائم رکھے. انہوں نے مقامی ولایت کے اوپر بہت مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی اور ہمارے سینوں کو اور ہمارے عقائد کو منور اور مضبوط فرمایا. اس کے بعد میرے عزیز محترم حضرت مولانا حافظ محمد قاری فاروق صاحب چشتی مدد اللہ العالی نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عرفان کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ معمور فرمائے. انہوں نے بہت پرجوش اور پرذوق انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اولیاء اکرام کی عظمتوں سے منور فرمایا. مجھے چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر کچھ کہنا ہے، تو میں ایک بات جو بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ مخالفین نے دنیا میں ہمارے خلاف کچھ اس طرح پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بریلوی ایک فرقہ ہے، جیسے
मिर्जाइयों का एक फ़िरका है, जैसे राफजियों का एक फ़िरका है, जैसे और बेदीन और गुमराह लोगों के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, तो इस तरह वो पेश करते हैं कि बरेलवी भी एक फ़िरका है। तो मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि हम बरेलवी नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं। और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम ही रहा है। हजरत नूह भी मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान थे, हजरत मूसा भी मुसलमान थे, तमाम अंबिया मुसलमान थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्लिम है। तो हमारा दीन इस्लाम है और हमारी शरीयत जो है वो मुस्तफवी है। याद रखिए, दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं उन अकायद को, उन अकदार को जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में मुश्तरक रहे, उसको दीन कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक सबके अकायद एक थे, उनमें कोई फर्मो फर्क नहीं था, सबका दीन एक है। सही बुखारी में है, औसैना का या मोहम्मद वैयाहो दीनन वाहिदन, हमने हजरत नूह को और ए मोहम्मद आपको एक ही दीन की वसीयत की है। सबका दीन इस्लाम है और शरीयतें वो अलग अलग रही हैं। हर नबी ने अपने जमाने की खास जरूरियात और जमाने के खास तकाजों के एतबार से जो इबादत के तरीके मुकर्रर फरमाए वो उस नबी की शरीयत कहलाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी शरीयत थी, जो उनके दौर का मखसूस मिजाज था, जो वहां के हालात थे, जो वहां के तकाजे थे, उसके एतबार से जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत के मखसूस तरीके मुकर्रर फरमाए वो शरीयत मूसवी थी, शरीयत ईसवी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे बेसत से लेकर क़यामत तक के लिए जो तरीके इबादत के मुकर्रर फरमाए वो शरीयत मुस्तफ़ी है। तो हमारा दीन इस्लाम है और हमारी शरीयत वो मुस्तफ़ी है और हमारा मजहब। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील से आपको ये बताऊं कि इस मजहब की भी जरूरत क्यों पेश आई। हमारा मजहब हनफी है, हमारा मजहब हनफी है। इसको एक बहुत इख्तिसार के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो बात यूं बनेगी कि देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, आपने नमाज में बाद औकात रफा यदैन तकबीर तहरीमा के वक्त भी किया और रुकू से जाने से पहले भी किया, रुकू के बाद भी किया, और बाद औकात आपने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफा यदैन किया और बाद में नहीं किया। बाद मरतबा आपने आहिस्ता आमीन कही, बाद मरतबा आपने आमीन बिल जहर कही, बाद मरतबा आपने यहां तक हाथ उठाए, बाद मरतबा आपने यहां तक हाथ उठाए। अब आम आदमी की तो इतनी नॉलेज नहीं है, उसका इतना इल्म नहीं है कि वो ये जान सके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी तरीका, इन मुख्तलिफ तरीकों में से आपका पसंदीदा तरीका कौन सा है। एक आम आदमी तो ये नहीं समझ सकता। तो इसके लिए बड़े अजीम इल्म और फरासत की जरूरत होती है। तो अइमे मुज्तहिदीन के अपने अपने उसूल थे, उन्होंने अपने उसूलों के एतबार से, इमाम अबू हनीफा ने यह समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी और आपका पसंदीदा अमल रफा यदैन में सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफा यदैन करना था, बाद में नहीं था। इमाम शाफी ने यह समझा कि रुकू से पहले भी है और रुकू के बाद भी है। इमाम अबू हनीफा ने यह समझा कि आमीन आहिस्ता कहना आपका पसंदीदा तरीका है, और इमाम शाफी ने समझा जोर से आमीन कहना आपका पसंदीदा तरीका है। तो ये आइमा इकराम के मजाहिब मुख्तलिफ हो गए। तो हमारा मजहब वो मजहब है हनफी। अब इमाम अबू हनीफा के अफकार और उन्होंने जो इश्तिहाद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों से इबादत का तरीका मुस्तमद किया, हम उसके पैरोकार हैं। तो हमारा दीन इस्लाम है, हमारी शरीयत मुस्तफवी है और हमारा मजहब वो हनफी। फिर इसके बाद मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ
فتنے پیدا ہوتے رہے اور ان فتنوں کے سدباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء ربانیین کو پیدا کرتا رہا. جیسے معتزلہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے. اور ایک زمانے میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کا فتنہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نظریے کے ابطال کے لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حملی کوئی فرقہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو مجدد الفسانی کے افکار کے پیروکار ہیں وہ کوئی الگ فرقہ ہو گیا اسلام کا. سب مسلمان ہی ہیں، جتنے مجددی ہیں وہ مسلمان ہیں، جتنے حملی ہیں وہ مسلمان ہیں، سب شریعت مصطفی کے پیروکار ہیں. اسی طرح ایک دور میں بر صغیر کے اندر ایک ایسی تحریک چل پڑی کہ اس تحریک کا پورا زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت کو دلوں سے کم کرنا تھا. انہوں نے چن چن کر ایسی باتیں کہیں کہ جن سے وہ مظاہر، وہ علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی علامات تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی نشانیاں تھیں، انہوں نے چن چن کر ان علامات کو، ان نشانیوں کو، ان مظاہر کو مٹانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی تاریکی پھیل جائے، کوئی ظلمت پھیل جائے، کوئی بدعت پھیل جائے، کوئی گمراہی پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی کو، اس ظلمت کو مٹانے کے لیے کوئی مینار نور پیدا کرتا ہے، کوئی مجدد پیدا کرتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو کم کرنے کی تحریک چل پڑی اور ایسی گمراہی کی فضا پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو پیدا کر. تو ہم جو امام احمد رضا کو مانتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمارا کوئی الگ فرقہ بن گیا ہے، کوئی مسلمانوں سے کٹ گیا ہے، وہ حنفی نہیں ہے یا شریعت مصطفی کے پیروکار نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت مصطفی کے پیروکار ہیں، ہم حنفی ہیں. امام احمد رضا کی جو افکار اور ان کی تعلیمات کی ہم اتباع کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں. امام احمد رضا کا مشن صرف اتنا ہی تھا، انہوں نے کوئی نیا قرآن نہیں پیش کیا، نئی حدیث نہیں پیش کی، نئی فقہ نہیں پیش کی، کوئی نیا مذہب نہیں پیش کیا، کوئی نیا مسلک نہیں پیش کیا. وہی مسلک جو صوفیہ کرام کا چلا آ رہا تھا، جو مجدد الف ثانی کا مسلک تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مسلک تھا، امام عینی کا مسلک تھا، علامہ نووی کا مسلک تھا، امام بخاری کا مسلک تھا، امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا، تمام متقدمین علماء ربانیین کا اور صوفیہ اعظم کا جو مسلک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سے اپنے سینوں کو منور اور روشن کرنا، جو یہ مسلک تھا اس کی آبیاری کی ہے امام احمد رضا نے. کوئی نیا دین اور کوئی نیا مذہب اور کوئی نئی شریعت نہیں. اب میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوگا کہ امام احمد رضا نے کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا. وہ سارے کام جن کو لوگ شرک و بدعت کہہ کر منع کر رہے تھے، امام احمد رضا نے بتایا کہ وہ کام شرک و بدعت نہیں ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے مظاہر. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بہت سارے مترجمین نے کیا ہے اور عموماً آپ دیکھیں گے جو تراجم ہیں وہ اس طرح کے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اس طرح کے ترجمے کیے.
आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो उसका तर्जुमा किया है वो ये है कि अल्लाह रहमान रहीम के नाम से मैं शुरू करता हूं, यानी दूसरे मुतरजमीन के तर्जुमे में पहला जो लफ्ज है वो है शुरू करता हूं मैं अल्लाह रहमान रहीम के नाम से। आला हजरत के तर्जुमे में ये है अल्लाह रहमान रहीम के नाम से मैं शुरू करता हूं, यानी दूसरे मुतरजमीन के तर्जुमे में पहले अपना जिक्र है मैं शुरू करता हूं, आला हजरत के तर्जुमे में पहले अल्लाह का जिक्र है कि अल्लाह रहमान रहीम के नाम से मैं शुरू करता हूं। अब इन दोनों तर्जुमों का फर्क मैं बताना चाहता हूं। देखिए यह तर्जुमा भी बज़ाहिर तो यूं नजर आ रहा है कि इसमें आला हजरत ने अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की तौहीद में डूब कर यह तर्जुमा किया, यह बरहक है, यह सही ज़ाहिर है, अल्लाह का नाम पहले जिक्र करना अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी मोहब्बत में डूब कर ही यह तर्जुमा किया है। लेकिन गैर नजर से देखा जाए तो यह तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर किया है। वो कैसे, वो मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए उलमा ने जिक्र किया है सूफिया के दो मकाम होते हैं। एक मकाम यह होता है मा रएतु शयअन इल्ला रएतुल्लाह बादहू, मैं जिस चीज को भी देखता हूं उसके बाद खुदा को देखता हूं, यानी हर चीज से खुदा तक पहुंचता हूं, एक ये मकाम होता है। और दूसरा मकाम ये होता है मा रएतु शयअन इल्ला रएतुल्लाह कबलहू, मैं किसी चीज को पीछे देखता हूं पहले अल्लाह को देखता हूं। आप कहते हैं कि बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम का यह मकाम है कि वो पहले मस्नू को देखते हैं फिर साने तक पहुंचते हैं, पहले कायनात को देखते हैं फिर खुदा तक पहुंचते हैं। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में जिक्र है वकदालिक नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज ले यकून मिनल मुखिनीन, और हमने इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन की निशानियां दिखाई ताकि उन्हें खुदा पर यकीन आए। तो पहले किसे देखा, आसमान और जमीन को, और फिर खुदा पर यकीन आया। और ये तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, इमाम बुखारी ने फरमाया ये हदीस सही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज सुबह की पढ़ने के बाद सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जी होकर बैठे और फरमाया रहे तो रब्बी अज़्ज़ वजल फी अहसन सूरत, आज रात मैंने अपने रब अज़्ज़ वजल को हसीन सूरत में देखा। फकाल फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, फरमाया कि ये जो मकाम बुलंद के फरिश्ते हैं ये किस चीज में बहस कर रहे हैं। कुल तो अंत आलम, मैंने कहा अल्लाह तू ही खूब जानता है। फबजा कफहू बैना कफैया फवजत को बरदहू बैना सदैया, अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरी दो कंधों के दरमियान पुष्प पर रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फअलिम तो माफी समावात वला फिर मैंने जान लिया, तमाम आसमानों और जमीन को मैंने जान लिया। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किसको देखा, रएत और रब्बी अज़्ज़ वजल फी अहसन सूरत, पहले रब को देखा और फिर आसमान और जमीन को देखा। मकाम इब्राहिमी यह है कि पहले आसमान और जमीन तक पहुंचे फिर खुदा तक पहुंचे। सरकार का मकाम यह है कि खुदा से पहले वासिल थे फिर आसमान और जमीन की तरफ तवज्जो। इसी तरह देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मैया रब्बी, मेरे साथ है रब मेरा। पहले किसका जिक्र किया, अपना जिक्र। इन्ना मैया रब्बी, मेरे साथ है रब मेरा। और हुजूर
क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाहा माना। हमारी सौर में क्या फरमाया, इन्नल्लाहा माना, अल्लाह का जिक्र पहले है और अपना जिक्र बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मअय्या रब्बी, पहले अपना जिक्र किया फिर रब का जिक्र किया। सरकार ने पहले रब का जिक्र किया है फिर अपना जिक्र किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिलकीस को खत लिखा, उसमें लिखते हैं इन्नहु मिन सुलेमान وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। पहले किसका जिक्र है, अपना, इन्नहु मिन सुलेमाना, ये सुलेमान के जानिब से है। وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ, फिर अल्लाह का जिक्र करते हैं। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल के लिए खत लिखा तो लिखा بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह नामा लिखवाया उसमें लिखवाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मुहम्मदिन इला उज़माए कुरैश। तो हर जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह होता है कि पहले रब का जिक्र होता है फिर अपना जिक्र होता है। अब गौर कीजिए, जो बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में अपना जिक्र करते हैं, पहले शुरू करता हूं मैं और फिर अल्लाह का जिक्र करते हैं, शुरू करता हूं मैं अल्लाह रहमान रहीम का, वो पहले अपना जिक्र करते हैं फिर रब का जिक्र करते हैं, और पहले अपना जिक्र करना फिर रब का जिक्र करना, ये मकाम इब्राहिम भी हो सकता है, मकाम मूसा भी हो सकता है, मकाम सुलेमान हो सकता है, मकाम मोहम्मद ही नहीं हो सकता। और आला हजरत फाजले बरेलवी ने जब इसका तर्जुमा किया, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से मैं शुरू करता हूं, पहले अल्लाह का नाम लिया और फिर रसूल अपना जिक्र किया, तो मालूम हुआ आपने ये तर्जुमा इश्क रिसालत में ढलकर, इत्तिबाए नबूवत के अंदर ढलकर आपने ये तर्जुमा किया। तो इस तर्जुमे में जब हम देखते अल्लाह का जिक्र पहले और अपना जिक्र पीछे देखते हैं तो इसमें हमें तौहीद भी नजर आती है, रिसालत भी नजर आती है, अल्लाह की मोहब्बत भी नजर आती है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी नजर आती है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक और आला हजरत ने फरमाई है, उसके समझाने से पहले मैं यह करता हूं कि एक सवाल करते हैं लोग, जब हम ये बयान करते हैं वरफाना लक जिक्र, कि अल्लाह ताला फरमाता है वरफाना लक जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और इसकी तफसीर में कहते हैं कि जिक्र की बुलंदी यह है कि जहां अल्लाह का जिक्र है वहां रसूलुल्लाह का जिक्र, कलमे में, शहादत में, नमाज में, हर जगह, जहां भी जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। तो ये अल्लाह के, ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर दिया। तो लोग पूछते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का जिक्र तो है, रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं है। तो आप तो कहते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, यहां अल्लाह का जिक्र तो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा ने बताया कि यहां भी रसूलुल्लाह का जिक्र है। कैसे? अल्लामा आलूसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया, बे से, अपने कलाम की इब्तिदा बे से की है, अलिफ से नहीं की। फिर वो अलिफ और बे का फर्क बताते हैं अल्लामा आलूसी रहमानी में, फरमाते हैं कि अलिफ में कोई कैद नहीं है, मुतलकन एक इस तरह की लकीर है, कोई कैद नहीं, बाकी सारे हरूफ मुकय्यद हैं, मुतय्यन हैं। तो अलिफ अपने इतलाक की वजह से ज़ाते जलाला पर दलालत करता है, और बाकी हरूफ तहज्जी जो हैं वो अपने तायुनात की वजह से मुमकिनात पर, कायनात पर दलालत करते हैं। जब आपने ये समझ लिया कि बे से लेकर बाकी सारे हरूफ मुतय्यन हैं, तो तायुन अव्वल कौन है? वो बे है। हरूफ तहज्जी के अंदर जो पहला मुतय्यन हर्फ है वो
वो बे है और कायनात में जो मुतय्यन अव्वल है वो नूरे मोहम्मदी है। तो वो कहते हैं कि अलिफ से शुरू नहीं किया, बे से शुरू किया जो तायुन अव्वल है, तो बे अपने तायुन अव्वल की वजह से कायनात के मुतय्यन अव्वल पर हकीकत मोहम्मदी पर दलालत करता है, तो बे में सरकार पर दलालत है। फिर कहते हैं कि बे पर कसरा जेर की है, जेर तो समझते थे जेर जबर, बे पर जो हरकत है वो जेर है, जबर नहीं है, क्योंकि जबर जो है फतह और नसब उसे अरबी में कहते हैं, वो जलाल पर गजब पर दलालत करती है, और कसरा जो है जर जो है वो इनकिसार पर, तवाज़ो पर, झुकाव पर, पस्ती पर, रहमत पर दलालत करती है। और चूंकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पर सिफात रहमत गालिब थी, वबिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वलो कुंत फज्जन गलीज अल क़ल्ब लनफज्जु मिन हौलिका फबिमा अलिमत लहुम। तो कुरान मजीद में जगह जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात रहमत का बकसरत जिक्र किया गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बे पर कसरा देकर हुजूर की जात की तरफ भी इशारा किया है, आपकी सिफत की तरफ इशारा किया है। अच्छा, और हर सूरत की पेशानी पर बिस्मिल्लाह है, तो मालूम हुआ कि हर सूरत की इब्तिदा में सरकार की जात और आपकी सिफत की तरफ इशारा है। फिर कहते हैं कि सूरह बराज जो है, सूरह तौबा, उससे पहले बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है, तो यहां हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है, तो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह का जिक्र तो नहीं है, बरात का तो जिक्र है, और बरात का पहला कलमा भी बा है, और उसके ऊपर जबर दी है, क्योंकि सरकार की एक सिफत जलाल भी है। तो कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों की पेशानी पर उसकी इब्तिदा में सरकार की जात और सिफात की तरफ इशारा है, 113 सूरतों में सरकार की सिफत रहमत की तरफ इशारा है, और एक सूरत में सरकार की सिफत गज़ब की तरफ इशारा है। सुभान अल्लाह। और तो ये फरमाया अल्लामा अलूसी ने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो बिस्मिल्लाह की बा के अंदर भी है, बिस्मिल्लाह की बा पर जो हरकत है जेर की, उसमें भी सरकार की तरफ इशारा है। और आला हजरत तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा और बा की कसरत में हुजूर की तरफ इशारा नहीं है, इस्मुल्लाह में भी सरकार की तरफ इशारा है। ये जरा दकीक बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। इस्म में दो मजहब हैं, एक मजहब है बसरियों का, वो कहते हैं कि ये इस्म सिमवुन से बना है, सिमवुन के माने हैं बुलंदी, और इस्म को इस्म इसलिए कहते हैं कि वो फेल और हर्फ दोनों पर बुलंद होता है। अच्छा, फेल और हर्फ पर कैसे बुलंद होता है? कहते हैं कि हर्फ तो न मुस्नद बनता है न मुस्नद इलह बनता है, और फेल वो मुस्नद तो बनता है, मुस्नद इलह नहीं बनता, और इस्म मुस्नद भी बनता है, मुस्नद इलह भी बनता है। अच्छा, अब गौर करें, अब समझो आप आसान अल्फाज में कि मुस्नद का क्या मतलब है। मुस्नद का मतलब यह है जो किसी की तरफ टेक लगाए, जो किसी का सहारा ढूंढे, जो बगैर सहारे के कायम ना रह सके, वो मुस्नद होता है। और मुस्नद इलह वो होता है कि जो किसी का सहारा बने, जो किसी की टेक बने, जो किसी का आसरा बने, वो मुस्नद इलह होता है। अब फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर हर्फुल्ला भी हैं, फेलुल्ला भी हैं, इस्मुल्ला भी हैं। हर्फुल्ला वो होगा जो न मुस्नद हो न मुस्नद इलह हो, न किसी की तरफ टेक लगाए न कोई उसकी तरफ टेक लगाए। फरमाया कि ये कुफार जितने हैं ये सब हर्फुल्ला हैं, ये किसी नबी की तरफ, किसी वली की तरफ, किसी रसूल की तरफ टेक नहीं लगाते, न इनकी तरफ कोई टेक लगाता है, न ये किसी का सहारा ढूंढते हैं, न कोई इनको अपना सहारा बनाता है, यानी सही सहारा। झूठे सहारे तो बनाए हुए ना, बुतों के झूठे सहारे बनाए हुए हैं, सही सहारा न ये किसी का सही सहारा बनते हैं, न किसी ने इनको सही सहारा बनाया है,
तो ये ना मुस्नद है ना मुस्नद इलैह है, तो जुमला कुफार मुनाफिकीन मुर्तदीन ये सब हरफुल्ला है। और फरमाते हैं जितने मोमिनीन हैं और मुस्लिमीन हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, औलिया किराम हैं, सहाबे किराम हैं, ये सब फ़िलुल्लाह हैं, क्योंकि ये मुस्नद तो बनते हैं, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ और अंबिया सरकार की तरफ टेक तो लगाते हैं, उनको सहारे तो बनाते हैं, लेकिन बिज़ात किसी का सहारा नहीं बनते। तो ये सारे मोमिनीन, अंबिया, सहाबा और सारे औलिया, ये सब मुस्नद तो है, मुस्नद इलैह नहीं है, ये सब फ़िलुल्लाह है। और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारी कायनात इन्हें सहारा बनाती है, ये खुदा को सहारा बनाती है, ये सारी कायनात का सहारा है, खुदा इनका सहारा है, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा, औलिया और जुमला मोमिनीन, सालिहीन, अतकिया, सिया, सब इन्हें सहारा बनाते हैं, ये खुदा का, इन्होंने खुदा को सहारा बनाया हुआ है। तो सरकार मुस्नद भी है, मुस्नद इलैह भी है, जो मुस्नद भी हो मुस्नद इलैह भी हो वो इस्मिल्लाह होता है, अल्लाह ने इस्मिल्लाह से शुरू किया मालूम हुआ। फरमाते हैं ये तो उस वक्त है जब बसरियों के मजहब पर ये कहो कि इस्म बसमुन से बना है, और अगर कूफियों के मजहब पर ये कहो कि इस्म बसमुन से बना है, बसरी तो कहते हैं कि इस्म बना है सिमहुन से और कूफी कहते हैं कि इस्म बना है बसमुन से, तो अगर कूफियों के मजहब पर ये कहो कि इस्म बसमुन से बना है, बसमुन के माने अलामत है, तो फरमाते हैं हर चीज अल्लाह ताला की जात पर अलामत है, कोई चीज अल्लाह की रहम पर दलालत कर रही है, कोई उसकी रुबूबियत पर दलालत कर रही है, कोई उसकी रज़ाकियत पर दलालत कर रही है, कोई चीज उसकी वुसअत पर दलालत करती है, कोई उसकी हैबत पर दलालत करती है, कोई उसके इल्म पर दलालत करती है, कोई उसके जुदो सखा पर दलालत करती है, कोई उसके गज़ब पर दलालत करती है, कोई उसके अज़ाब पर दलालत करती है, तो हर चीज किसी ना किसी सिफत के ऊपर दलालत करती है, ऐसी कामिल अलामत, ऐसी जामे अलामत जो उसके रहम पर भी दलालत करती हो, उसके गज़ब पर भी दलालत करती हो, उसके इल्म पर भी दलालत करती हो, उसकी वुसअत पर भी दलालत करती हो, जुमला सिफात पर दलालत करती हो, ऐसी कामिल अलामत को अगर कायनात में ढूंढो तो मोहम्मद मुस्तफा के द्वारा पड़ेगी। तो कामिल अलामत अल्लाह ताला की जात के ऊपर इस कायनात के अंदर वो तो मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना है। तो मालूम हुआ कि अगर इस्मुल्लाह का मतलब हो अल्लाह की अलामत, तो अल्लाह की कामिल अलामत तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर भी इस्मुल्लाह के अंदर रसूलुल्लाह शामिल है। तो खुलासा ये हुआ कि इस्मुल्लाह को आप सिमुन से माफूज माने तो इसमें भी रसूलुल्लाह का जलवा है, और इस्मुल्लाह को बसमुन से माफूज माने तो फिर भी रसूलुल्लाह का जलवा है। फिर कहते हैं इस्म के कुछ खवास हैं, इस्म का एक खासा है जर, जर के माना है खींचना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया को जहन्नम से खींचकर जहन्नम की तो सरकार में जर का माना भी पाया गया, जर के माना खींचना। हुज़ूर ने फरमाया तुम सब अपनी तबी तकाजों से, अपने शैवानी तकाजों से, अपनी मासियत के तकाजों की वजह से तुम सब जहन्नम की तरफ दौड़े जा रहे थे, मैं खींच खींच कर पकड़ पकड़ तुम्हें जन्नत की तरफ ला रहा हूं। तो जर के माना खींचना है तो सरकार में जर का माना भी पाया गया। फिर फरमाते हैं कि हुरूफ जारा में मिन है, हुरूफ जारा में इला है, मिन का माना है इब्तिदा और इला का माना है इंतहा, कायनात कायनात नबूवत की इब्तिदा भी सरकार से हुई है और इंतहा भी सरकार से। तो मिन का माना भी सरकार में पाया गया, इला का माना भी सरकार के अंदर पाया गया। तो इस्म के जितने खवास हैं, फिर इस्म का फिर हुरूफ जारा में से एक हर्फ जर है अला, अला के माना है इस्तेला, बुलंदी,
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक वताला ने इतनी अजमत और इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि सारी कायनात नीचे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर। कैसे? एक तो वैसी आप मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फजाइल की वजह से, अपने कमालात की वजह से, जो अल्लाह ताला ने आपको मकामात अता फरमाए हैं, आपने फरमाया अना कायद मुरसलीन वला, मैं तमाम रसूलों का कायद हूं और मुझे इस पर फख्र नहीं है। अच्छा, ये जो फरमाया कि मुझे इस पर फख्र नहीं है, इसका एक मतलब तो यह है कि तवाज़ो और इंकिसार के तौर पर फरमाया मुझे इस पर फख्र नहीं है, और एक इसका मतलब यह है कि ये कोई मेरे फख्र करने की बात नहीं है कि मैं रसूलों का कायद हूं। मियां, फख्र तो इन्हें रसूलों को करना चाहिए जिन्हें मुस्तफा जैसा कायद भी है। फरमाया अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, अना अव्वलुश शाफीन व मुशफ्फईन वला फख्र, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्र, आदमो व मन दूनहु तहत लिवाइ यौम अल क़यामत वला फख्र। इतनी बुलंदियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शब अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात से ऊपर ले गया, काबा भी नीचे था, बैतुल हराम भी नीचे था, सिदरा भी नीचे था, जिब्रील भी नीचे था, अर्श भी नीचे था, सरकार सबके ऊपर थे। तो अगर अला का माना इस्तेला है तो जो इस्तेला अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है किसी को नहीं अता फरमाया। वाह, हालांकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इतना वजनी और इल्मी बयान आपने फरमाया है कि एक एक जहन में बात उतर रही थी। खुदाए बालो बरतर आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इल्म में मुस्लिम शरीफ की 5 जिल्दें जो मेरे तक पहुंच चुकी हैं, गालिबन इससे ज्यादा भी, 6 छप चुकी हैं, मुस्लिम शरीफ की शरह लिख रहे हैं, है? 7वीं प्रेस में है। कितना अजीम काम हो रहा है। और जदीद दौर के जितने भी मसाइल हैं रोजमर्रा के हमें पेश आते हैं, जदीद मसाइल, उसमें जाहिर है वक्त नहीं वरना मैं इस पर कुछ अर्ज करता, उन तमाम मसाइल पर हमारे एक नमाजी हैं यहाँ तशरीफ फरमाए, चूंकि माए बहने भी तशरीफ फरमाए, इसलिए मैं उस मौजू पर कुछ कहता नहीं। एक मरतबा इतफाक से वो मुस्लिम शरीफ का मुताला कर रहे हैं, कहीं से लेकर आए, कारी रासत साहब के पास मेरी किताब रखी हुई थी, वहां से लेकर आए, तो इतकार बैठे हुए निकाली, कहने लगे जी एक मसला था, हम बड़े दिनों से उलझे हुए थे, तो मैंने ये किताब में पढ़ा, देखे तो इतफाक से वो शरा मुस्लिम शरीफ अल्लामा सईदी साहब की। मैंने कहा आपको तो मवाद मिल ही गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आज पता चल गया है, यानी इतने जदीद था वो, पता नहीं 7 नुस्खे नहीं लाए होंगे हजरत, वरना वो जब भी नुस्खे आए आप अपने घरों में, और हमारे बहुत सारे साथी उनको शौक होता है जी हम हदीस पढ़ते हैं, बुखारी में ये पढ़ा है, तो सिर्फ बुखारी ना पढ़े, सिर्फ मुस्लिम 7 उसकी तशरीह भी पढ़े, ताकि एक एक हदीस पर आपको पता चले कि अकीदा क्या है, मसल क्या है। इसके अलावा बहुत सारी तशरीफात हैं हजरत की, अल्लाह आपकी उम्र में, इलम में, अमल में बरकत अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने अपनी इतनी मसरूफियात से हमें ये मौका दिया। अगर आपका क्याम बरतानिया में कुछ अर्सा भी है, क्योंकि मेरी अभी इस मरतबा इस दौर में पहली मुलाकात हो रही है, तो जैसे पहले हमारे यहाँ जुमा आपने एक पढ़ाया है, इंशाल्लाह फिर आपको एक मतवजहमत देंगे। हाफिज साहब की बिला का भी शुक्रिया आपकी वसात से हमें। हजरात गिरामी, आज मैं दरख्वास्त करूंगा सईदी साहब से, हमें कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, कभी कभी और कहीं कहीं किसी अहले हक के पीछे इक्तदा में नमाज पढ़ लें, और मैं तो कहता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिले ना तो मेरा तो ईमान होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछा ना क्या लाए हो, तो यही है या अल्लाह फलां की इक्तदा में नमाज। अपनी तो ज़ाहिर है हम जो इमाम तक कराते हैं इक्तदा क्या है, लेकिन मौला तेरे उस फलां बंदे की इक्तदा में, तो आज अल्लामा सईदी साहब नमाज मगरब की इमामत फरमाएंगे, हम सब उनकी इक्तदा में जिंदगी की ये अहम नमाज होगी। तो अजान होती है नमाज, और उसके बाद सलात वसलाम होगा, फिर लंगर तमाम हज़रात के लिए अजान के साथ। اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट ऑडियो सीडी डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर टोपियां जुब्बे जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लिका अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखें तारक गिफ्ट सेंटर 12 कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड 8 टेलीफोन 01274-775-721 मोबाइल 07931-587-694 तारिक गिफ्ट सेंटर योर वन स्टॉप इस्लामिक शॉप 12 कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AD टेलीफोन 01274-775-721 एंड मोबाइल 07931-587-694 एंड आवर वेबसाइट www.tarikgiftcenter.com दो जग के दी तेरी सुल्फा दे जालता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन।